हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है बडिंग। तो बडिंग को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। आपको पता होगा बेटा, इससे पहले एक लेक्चर आया था, उसमें हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस करा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? फ्यूजन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 4th टाइप है जिसे हम बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ, तब आपको ये इजिली समझ आएगा। बेटा देखो, यहाँ पर ये हाइड्रा है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये हाइड्रा जो है, इसमें क्या होता है? बडिंग होती है। अब होता क्या है बडिंग के केस में? देखो बेटा, पेरेंट, इसे हम बोलते हैं पेरेंट बॉडी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट बॉडी। इस पेरेंट बॉडी से क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, ग्रो कर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं बड। ये बड क्या होता है, फिर आगे ग्रो करता है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। देखो इतना बड़ा हो चुका है, ये इतना बड़ा हो चुका है। जब ये पूरा ग्रो कर जाता है तो पेरेंट की बॉडी से फिर डिटैच होके ये अलग हो जाता है। तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक न्यू हाइड्रा यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंट बॉडी से, ठीक है, क्या हुआ? एक न्यू हाइड्रा बन गया। तो अब इसको समझते हैं। तो यही चीज होती है, ठीक है, यहाँ पर सेम यही चीज बेटा। यहाँ पर आप यीस्ट में भी देख सकते हो, बडिंग आपकी यीस्ट में भी होती है। ये यीस्ट का एग्जाम्पल है, नीचे ग्रीन वाला ये हाइड्रा का था। यहाँ पर यीस्ट जो होता है ना बेटा, यीस्ट का कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड में यूज किया जाता है इसका, ठीक है, ताकि उसको फुला सके। तो यहाँ पर देखो बेटा, यीस्ट जो है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहां पर, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी से, ठीक है, क्या करता है यहां पर, ये ग्रो कर जाता है। देख रहे हो, बर्ड की फॉर्म में ग्रो कर रहा है ये, ठीक है, बर्ड की फॉर्म में ग्रो किया ऐसी। फिर ये धीरे धीरे, ठीक है, कई सारे यहाँ पे आप देखो यीस्ट बन गए। तो ये एंड में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। तो वही चीज है बेटा यहाँ पर, जो हाइड्रा में देखा था। मतलब बर्डिंग में क्या होगा बेटा, पेरेंट बॉडी से एक बर्ड ग्रो करेगा, ठीक है, मतलब वो पार्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा, जिसको हम बर्ड का नाम देते हैं। जैसे यहां देखा, ये भी क्या है बेटा, एक बर्ड है। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या देखा बेटा हमने? बर्डिंग क्या बोलेंगे? इन बर्डिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से स्मॉल पार्ट ग्रो करता है, ठीक है, आउट एज अ बर्ड, विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो बाद में डिटैच होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अभी तक हमने जो फ्यूजन देखा था बेटा, फ्यूजन जो देखा था उसमें क्या देखा था कि जो पेरेंट बॉडी थी वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर पेरेंट बॉडी वैसी की वैसी रहेगी और न्यू ऑर्गेनिज्म अलग बनेगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा बेटा। फ्यूजन जो पढ़ा था उसमें क्या था, पेरेंट जो अमीबा था वो कन्वर्ट हो गया था आगे जाके दो डॉटर सेल में, और पेरेंट सेल वहां पे खत्म हो गया था। ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो गया था, खत्म तो नहीं बोल सकते, कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पे कन्वर्शन का काम नहीं है, यहाँ पर पेरेंट बॉडी वैसी रहेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रा और यीस्ट, ग्रीन वाला हाइड्रा था बेटा, उससे ऊपर वाला यीस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इन हाइड्रा, हाइड्रा के केस में जो हमने ग्रीन वाला देखा था, अ बर्ड डेवलप हैज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन। क्योंकि सेल डिवाइड होता है बेटा, आउटग्रोथ कैसी होगी बेटा? कोई पेरेंट बॉडी है उसकी आउटग्रोथ कैसी होगी? वहां पे सेल डिवाइड हो रहे होंगे ना, नए सेल बन रहे होंगे। ठीक है, एट वन स्पेसिफिक साइट, एक जगह पे नए सेल बन रहे होंगे। दिस बर्ड डेवलप इंटू टाइनी इंडिविजुअल एंड वन फुल्ली मेच्योर्ड बर्ड डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और फिर जो पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होके एक नया इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो ये होता है बेटा किसमें? बर्डिंग में। ठीक है, तो यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, दोनों ही बर्डिंग प्रोसेस से क्या होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना यहां पर बेटा, ये जो है यहां पे जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़े, 4th पार्ट है, सभी के दो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है बेटा, एग्जाम्पल के साथ आपको इनको डिफाइन करने के लिए कह सकता है, तो आना चाहिए बेटा ये। ठीक है, तो 4th एसेक्सुअल भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब देखते हैं 5th। तो 5th है बेटा क्या? स्पोर फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, स्पोर फॉर्मेशन 5th एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं।
देखो बेटा यहां पर इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां पर एक आपने सुना होगा ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारा राइजोपस होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो गोल बॉल सी दिख रही है ना बेटा, ये गोल सी बॉल, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? स्पोरेंजियम, ठीक है। ये स्पोरेंजियम के अंदर छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं स्पोर्स। यही स्पोर्स होते हैं बेटा इसके जर्मिनेशन के। अब देखो बेटा होता क्या है, यहां पर इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स हैं जिसे हम स्पोर्स कह रहे हैं, ठीक है। ये देख रही है आपको जैसे यहां पर, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, जब ये ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है बेटा, ये जो स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है वहां से। और इस तरीके से ये जो इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं जिसे रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं, वो आके क्या होते हैं बेटा, जिस सरफेस पे गिर जाते हैं तो वहां पर एक नया स्पोर बन जाता है, ठीक है। वहां पर नया स्पोर नहीं, वहां पर एक नया राइजोपस बन जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, जो यहां पर क्या हुआ बेटा, पेरेंट बॉडी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनता है। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, वहां पर मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा कम हो, तो ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब यही चीज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो आपको और क्लियर होगा। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा बेटा, घर में ब्रेड कभी खराब हो जाती है, होता है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं उस पर फंगस लग गया, होता है ना, ऐसा ब्लू ब्लू सी हो जाती है, फंगस लग जाता है। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसको देखो यहाँ पे बड़ा करके दिखा रखा है, ये आपको दिखेगा नहीं, आपको देखने में तो आपकी जो ब्रेड है इस तरीके से दिखती है, खराब हो गई, ठीक है, ऐसी ऐसी लगेगी। बट जब आप उसको, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पर आपको इस तरीके का ये दिखाई देगा जो अभी देखा आपने ऊपर, ठीक है। ये आपका क्या है, राइजोपस, क्या बोलते हैं इसे, राइजोपस। तो जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अब यहां से वही काम होगा बेटा, देखो क्या होगा, जब ये इसके सर्फेस पे आएंगे तो वही, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स गिरेंगे, फिर जहां स्पोर गिरेंगे फिर वो वहां पे नया राइजोपस आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और आपकी ब्रेड धीरे धीरे पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। अब आपने नोट नोटिस करना बेटा, जो ब्रेड होती है बेटा, दो ब्रेड के पीस लेना, एक को एक पे थोड़ा सा वाटर डाल देना, ठीक है, और एक में नॉर्मल रखना। तो जब आप इसमें चेक करोगे कि जो वाटर डाला था आपने वो जल्दी खराब होगी, क्यों? क्योंकि बेटा राइजोपस के लिए, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड मोल्ड होता है बेटा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्चर, ठीक है। जो ब्रेड में पानी होगा बेटा वो जल्दी खराब होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्राई ब्रेड जो होगी वो भी खराब होगी, लेकिन जो जिसमें वाटर होगा वो जल्दी खराब होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन को आप पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। कहता है इन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो कभी भी स्पोर फॉर्मेशन होगा, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कोल्ड स्पोर्स। अभी देखा ना बेटा, ये जो बॉल्स है छोटी छोटी, इसे बोलते हैं स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स केस प्लांट बर्स्ट, ठीक है, जब ये बर्स्ट करता है, देन स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट, अच्छा दो बार लिख दिया ये, ठीक है, केस ऑफ प्लांट बर्स्ट, देन स्पोर स्प्रेड इनटू एयर, ठीक है। तो इसको कट कर देना भाई, दो बार लिख दिया ये। जो स्पोर होते हैं, मतलब बोला रखा है कि ये जो स्पोरेंजियम है बेटा, ये जब बर्स्ट होता है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये जो स्पोर्स है हमारे, ये एयर में आ जाते हैं। व्हेन दिस एयर बॉर्न स्पेस लैंड, जब ये लैंड पे आते हैं, ऑन सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, वही मॉइस्चर हो ना टेम्परेचर ज्यादा हो ना कम हो, द जर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूस न्यू प्लांट, तो वहां पर एक नया प्लांट फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोपस। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा था, ठीक है। अब ये ब्रेड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो हमने नीचे स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर एक नया देखो, द ह्यूमन ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड हाइफे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, ये जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइफे। दिस स्टेम हैविंग नोब लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड स्पोरेंजिया, ईच स्पोरेंजियम कंटेन 100, मतलब स्पोरेंजिया बेटा क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया सिंगुलर स्पोरेंजियम, मतलब सिंगुलर, और ये होता है अपना प्लूरल, ठीक है। स्पोरेंजिया मीन्स प्लूरल और स्पोरेंजियम मतलब सिंगुलर, ठीक है। कंटेन 100 ऑफ माइन्यूट स्पोर्स, तो इसके अंदर छोटे छोटे हंड्रेड ऑफ स्पोर्स होते हैं, जहां पड़ते हैं, जहां गिरेंगे आप एक नया नया राइजोबस आ जाएगा, जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको। अब बेटा हमारा एक एक लास्ट रिप्रोडक्शन रह गया,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया, जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों जो है, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी था, इस वजह से मैंने इस वीडियो में नहीं कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आराम से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करो। और एक चीज़ हो रहा है बेटा, वीडियो से नोट्स बनाओ, वीडियो को दो बार देखा करो, एक बार नॉर्मली आराम से बैठ के कुछ नहीं करना, आराम से फुल कॉन्सेंट्रेट करके देखना है आपको। सेकेंड टाइम जब आप देखोगे तो साथ में नोट भी करते जाओ, जो मैंने नोट्स ये बना रखे हैं बेटा ये आपके बहुत काम आएंगे, नोट्स बनाते चलो देख देख के, ठीक है। तो आपको और जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं वो दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।